नक्सली बनाने की धमकी देते हैं, तो कसम से याद रखिएगा, मरना तो सबको है, पागल मत कीजिएगा। जिस दिन पगला गए ना, एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। पीर टांग तो छोड़िए, एक गांव में घुसने नहीं देंगे सोनू जी, एक गांव नहीं घुसने देंगे। बहुत बड़ा सरकार का नोनो बन के बैठे हैं, एक गांव नहीं घुसने देंगे पीर टांग का। मजाक समझ लिया क्या? केस करेंगे, चुन चुन के केस करेंगे, अरे घंटा कर लेंगे केस से। घंटा कीजिएगा केस करके, यहाँ सूरज मरेगा, चंदा मरेगा, पृथ्वी मरेगी, फिर 5 फीट का इंसान क्या है? आपरी अगर केस की धमकी हुई ना सोनू जी, माननीय श्री श्री विधायक जी, कसम से केस हमारा थाना में होगा, लेकिन बाकी सुन लीजिए, आपके सर का केस नहीं रहेगा। केस करने की धमकी देते हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं। अरे कितना गोद में बैठिए, सरकार आपको दलाली ही करवाएगी, मंत्री तो बसंत सोरेन को ही बनाएंगे। सुनिए श्री सुदीप कुमार सोनू जी, आदरणीय बड़े भाई, बिल्कुल बड़ा भाई है आप, ये जो दलाली कर रहे, चमचई कर रहे सरकार की, कुछ भी कर लीजिए, घंटा मोड़िया पटक दीजिए, ठेके साज दे, ठेके में मोड़ी साज दे ना रे सोनू दा, विधायके बन के रहे, विधायके आधे मंत्री बन लो के, बताओ बसंत सोरेन, कल सीता सोरेन, परसू कल्पना सोरेन, ओकर बाद ओकर बेटियन बन तो, लेकिन तोरा ना है पूछ तो ले कह दे। केस करते हैं, केस क्या करते हैं जी? पुलिस आपका, प्रशासन आपका, गोली मरवा दीजिए, केस क्या करते हैं? आप तो राजा है ना, सरकार आपकी है, केस क्या करते हैं? गोली मरवा दीजिए, बायस नेचर के आदमी कहीं के, मन पापा सब कहीं के, लोकतंत्र के बात करते हैं, बेशरम सब कहीं के। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप गठबंधन के हिस्सा लगे, और गठबंधन के सबसे बड़ा नेता पंडित नेहरू के पढ़ल लिखाए, और बात करते लोकतंत्र के, अरे ना ही पढ़ वाले, आओ क्लास देबो, आओ क्लास देबो, आओ क्लास देबो, लोकतंत्र के बात करते सवाल कहा ना करते, सबसे ज्यादा वोट फिर टर्न दे लो, सबसे ज्यादा वोट फिर टर्न दे लो परसेंटेज में, सवाल कतर पेट में दर्द हो गेलो, तखन की लगे लगे घोर घोर भटवा मांगे, तन भटवा लिए मजा लगलो, अभी सवाल करो तन सजा लगलो, भटवा लिए मजा लगलो, तखन क्रीडी लोग लात मारल थीन, दौड़ के गेलो पीर टांग, की गेलो बोका लोग बोने रहे वाला दे भटवा, भटवा दी मजा लग गेलो। विधायक बन गेलो बड़का हिया, लोकतंत्र के बात करे वाला, आलोचना सह शक्ति नहीं, सुने के शक्ति नहीं, केस कर में एक ओक्का है, गोटे पीरे टांग के केस कर दी। सोन विधायक, सोन कनवा में कड़वा ना है, हैंड्रिक तेल लगाए के सोन, और ऐसे भी सबसे ज्यादा भाषण हमारे तो ही सुनने हैं, नुकाए नुकाए सुनने हैं, बिना फॉलो करके बिना सब्सक्राइब करके सुनने हैं, हाय बिना सब्सक्राइब बिना फॉलो करके सुनो, हमारा रिपोर्ट है रोज। आज तो एकदम पहले हुआ मुख्यमंत्री के हुआ सहित है, कहते छोड़े की कले देखाओ, आज तो कसम से अगर हालत खराब है। आज बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आज इस ग्राउंड में जब हम लोग का सभा होने वाला था, सुनने में आया यहाँ के लाडले, यहाँ के दुलारे सोनू मोनू, आदरणीय बड़े भाई श्री सुदीप सोनू जी, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, याद रखिएगा आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं आप, कि आज एक महीना पहले हम लोग परमिशन के लिए अनुमति मांग रहे हैं। मैं जिला प्रशासन तक ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आईएएस आईपीएस लोग हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, भैया ये कौन सा संविधान, ये कौन सा लोकतंत्र, कि आज बताइए इसी झंडा मैदान में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हम लोग 6 महीना से झंडा मैदान परमिशन मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे, बताइए कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बताइए कौन सा व्यवस्था है। आज गिरिडीह के वर्तमान विधायक डरते हैं, और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, सुने पीर टांग के साथ वो केस कर दिया जाता है, तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, अरे झूठ मूठ का केस क्यों करते हैं भैया, केंद्र के खिलाफ जाना,
देशद्रोह है तो राज के खिलाफ जाना राजद्रोह है। आप कुछ बड़ा केस कीजिए और हम लोग को इतना बुरा केस कीजिए कि जिंदगी हम लोग का नरकी बना दीजिए। आपको अगर तसल्ली मिले वही काम कीजिए। आप अन्याय का काम करते हैं, ताज्जुब होता है कि आप किनके इशारों पे काम करते हैं। अरे आईएएस आईपीएस लोग मिनिमम ग्रेजुएशन होते हैं और ये झारखंड सरकार के पांचवी क्लास मंत्रियों की बात सुनते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी उनका गलत बात सुनते हैं, उनका गलत बात सुनते हैं। ठीक है वो सरकार में है, सरकार का बात मानना कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका का नियम होता है, लेकिन आप एक विधायक के कहने पर पीरटार के दर्जनों छात्रों पर केस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बात करते हैं। आज ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या इन्हें मालूम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में आलोचना का क्या स्थान है? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर पूरे देश से कवियों को निमंत्रण दिया गया था। उस कवियों की भीड़ में एक नौजवान नागार्जुन भी था। नागार्जुन ने क्या कहा था बता है? पंडित नेहरू के सामने कहा था कि वतन बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन ने कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाते हैं, शीश नवाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सुदीप सोनो आलोचना सुन नहीं पाते हैं, अपने आप को विधायक कहते हैं, शर्माना चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सुना, एक नौजवान के शायर को सुना, अभी कब? बर्थडे के दिन सुना, अपने जन्मदिन में सुना कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी जी के समाधि पर शीश नवाने जाते हैं। और आज ये सुदीप सोनो आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं और अपने आप को विधायक कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, शर्म आना चाहिए। यही नहीं, केवल बर्थडे में नहीं, पंडित नेहरू ने सदन में भी आलोचना सुना था। उस समय कवि कुल के श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। भारत चाइना से 1962 में पीट चुका था और राज्यसभा में और कांग्रेस के सांसद थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष के थे। रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, क्या कहा था पता है? कि रोग ने युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे इनको स्वर्ग धीर, पर मुझको लौटा दे गांडीव गदा अर्जुन भीम भी। कह दे शंकर से फिर एक बार, करे भारत में मंत्र उच्चार। आज ये सहिष्णुता होती है, ये लोकतंत्र होता है। और आज ये शख्स आलोचना सुन नहीं पाता है, आलोचना सह नहीं पाता है और अपने आप को लोकतंत्र का हिस्सा बताता है, शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सहा है, प्रथम प्रधानमंत्री ने, ना उन्होंने किसी को ईडी भेजा, ना किसी को समन भेजा, ना किसी के यहाँ सीबीआई भेजा। खैर अभी वर्तमान प्रधानमंत्री की आलोचना मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पाकिस्तान का टिकट कटवा देंगे। मैं बताइए कि यही लोकतंत्र है? क्या आप आलोचना नहीं सह पाएंगे? जो आपकी आलोचना करेंगे, जो आपसे सवाल करेंगे, जो अपने अधिकार की बात करेंगे, आप उन पर केस करेंगे? तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि छोटा मोटा मत केस कीजिएगा, क्योंकि सुदीप सोनो भले मुख्यमंत्री कोई और है, इस सुपर सीएम है, सीधे हम लोग पे राजद्रोह का केस कीजिएगा, उम्र कैद का सजा दीजिएगा। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, क्या झूठ मूठ का केस करते हैं, 107 करते हैं, 353 करते हैं, अरे कोई ऐसा मुकदमा कीजिए जो हम लोग को सीधे उम्र कैद की सजा हो, उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सुदीप सोनो का देश नहीं, ये भगत सिंह का देश है, फांसी भी होगी पीछे नहीं हटेंगे। मैं बताइए किस आधार पर नहीं मिला, झंडा मैदान में कार्यक्रम किस आधार पर नहीं मिला, ये जिला प्रशासन से पूछना चाहेंगे। क्या वो किसी की बपोती है? यदि लोकतांत्रिक भारत है तो झंडा मैदान में हमारे सभा को अनुमति क्यों नहीं मिली? खैर कोई बात नहीं, आपने हमें झंडा मैदान में जगह नहीं दिया ना, आपका हर एक झंडा 2024 में कबाड़ देंगे विधायक जी, याद रखिए। विपक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं, ये पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं, ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए ये दोनों साड़ू हैं, ये दोनों साड़ू हैं,
सुदीप सोनू और निर्भय साहब आदि ये दोनों साढ़ू हैं, दोनों का कंपनी में फैक्ट्री में 50-50 का पार्टनरशिप है। ये दोनों साढ़ू झारखंडी पूर्वक ये दोनों साढ़ू है, खाली झोट मोड में लोग ड्रामा करता है। इसलिए अब ना यहाँ एनडीए की बात होगी ना यूपीए की बात होगी, तो झारखंड की माटी में इस मिट्टी को बचाने की बात करेगा उस पार्टी की बात होगी। दोनों साढ़ू है, सुने डीसी का भी योगदान है, अब वर्तमान की पूर्व नहीं मालूम। दोनों साढ़ू को डीसी भी सहयोग करते हैं कि कहे आप लोग अकेले माल हड़प रहे हैं, दो चार हिस्सा हमें भी दीजिएगा, यही हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है आपके साथ। इसलिए आज इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों को इनकी औकात बताने के लिए, आप भी सोचते होंगे कि भाई झारखंड में 14 लोकसभा है, जमशेदपुर में आपका डिमांड है, रांची में आपका डिमांड है, धनबाद कोयला नगरी में आपका डिमांड है, आपने गिरिडीह को क्यों चुना? तो मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली लोग एरोप्लेन से जाते हैं और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ पहाड़ है, वहीं से छलांग मारेंगे। इसीलिए चुना है, कोई तथ्य है, इसीलिए चुना है पारसनाथ पहाड़ को कि हम लोग स्टेशन जाने का इरादा नहीं है, मूड भी नहीं है, यही पारसनाथ की चोटी 4480 फीट की ऊंचाई में जो पारसनाथ है वहीं से दिल्ली जाने की तैयारी है। ये आशीर्वाद और दुआ आपका होना चाहिए, ये संदेश लेकर आए आज। और हम लोग कहना चाहेंगे यदि गिरिडीह लोकसभा हम लोग फतह करते हैं, जैसा हमें जानकारी है गिरिडीह लोकसभा में सिर्फ टाउन में केवल सदर में 200 प्लांट है, केवल सदर में 2000 फैक्ट्रियां है, और हर एक फैक्ट्रियों में हर एक प्लांट में यहाँ के विधायक सांसद दोनों को दक्षिणा जाता है, दोनों को चंदा जाता है। हम लोग वचन देते हैं अगर गिरिडीह फतह करते हैं तो चंदा के धंधा को बंद किया जाएगा और उसे रोजगार का सृजन किया जाएगा। आज बताइए क्या नहीं दिया हमने, आज गिरिडीह में सीसीएल, धनबाद में भी सीसीएल, रामगढ़ में सीसीएल, गोड्डा में सीएल, रांची में सीएमपीडीआई, कोल इंडिया ऑफ इंडिया, इंडिया में जो कोल इंडिया है उसकी 8 यूनिट होती है। सुदीप सोनू जी भी थोड़ा सुन लेंगे क्योंकि हमको उम्मीद है नहीं जानते हैं, यही तो खासियत है कि हम केवल लीडर नहीं है विधायक जी, टीचर भी है। वीडियो देख के सीख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और ऐसे भी हमारे भाषण का नकल करते हैं, उनके सहयोगी हमें बताए हैं, विधानसभा के भीतर हमारे भाषण को इन्होंने नकल करके रखा है। अच्छी बात है, बच्चे इस बच्चे के लिए गर्व की बात है। तो सुनिए माननीय विधायक जी, क्योंकि हमने कोयला पे बात किया है, गिरिडीह में सीसीएल है, कोयला की 8 यूनिट होती है कोल इंडिया की, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, एमसीएल, एसीसीएल, सीएमपीडीआई, 8 यूनिट होती है। और दुर्भाग्य का विषय आपको बताएंगे कि 4 यूनिट झारखंड में है, बीसीसीएल झारखंड में, सीसीएल झारखंड में, ईसीएल झारखंड में, सीएमपीडीआई रांची झारखंड में, और हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये झारखंड का दुर्भाग्य। इसलिए आज कोयलांचल की नगरी में हम ये भी संदेश देंगे कि यदि गिरिडीह संसद के माध्यम से हमारी एंट्री लोकसभा में हुई तो विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय होंगे उनके सामने हम सीधा सवाल करेंगे कि यदि कोयला के 4 यूनिट झारखंड में है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्या कर रहा है। चलिए झारखंड लेके आइए, झारखंड लेके आइए, हेडक्वार्टर धनबाद होगा, बोकारो होगा, रांची होगा, गिरिडीह होगा, कलकत्ता नहीं होगा। अब अन्याय झारखंड नहीं सहेगा, नहीं सहेगा झारखंड अब अन्याय। बताइए, आप ही बताइए कि हमारी मांग गलत है? 8 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज 23 साल के झारखंड में कोई सांसद ऐसा नहीं हुआ जो ये सवाल सदन में करे कि कोयला का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं धनबाद होना चाहिए। कहे सबको हिस्सा जाता है, सबको हिस्सा जाता है,
कोयले की काली कमाई में सबका हिस्सा जाता है, इसलिए आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। और एक ताज्जुब की बात आपको बताएंगे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम, उसकी परियोजना कहां है पता है? धनबाद नदी में दामोदर के किनारे, बोकारो में दामोदर नदी के किनारे, रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे, हजारीबाग चतरा लातेहार में दामोदर नदी के किनारे, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये सवाल संसद में होगा। कितना अन्याय हुआ है झारखंड के साथ। यदि हम उस दास्ता को कहने लगे तो ये सूर्यास्त होके उदय होगा, अस्त होगा फिर उदय होगा, लेकिन हमारी दास्ता कम नहीं होगी। आज इतना जुल्म केवल और केवल झारखंड में हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा कि हमर पानी हमर पसीना, कि हमर पानी हमर पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। हमें एक बात कहेंगे, हमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आपत्ति है, बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी फुआ शेख फातिमा है, उन बिजली जलाए हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, हम कहना चाहेंगे हमारे फरजान भाई हैं, आधे शेख शायद भी आए हैं, सानिया बहन भी आई है और रिजवान लेडी है और हमारे रोकी शेख भी हैं, तो उनकी भी फुफी जान का नाम शेख फातिमा है, वो बिजली जलाए हमें आपत्ति नहीं है। हमें ये आपत्ति है कि पानी हमारा पसीना हमारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री क्यों जलाएगी, ये बात की आपत्ति है। बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी पुप्पी जान का नाम शेख फातिमा है, वो जलाए हमें कोई आपत्ति नहीं की बात है। ये तकलीफ की बात है कि झारखंड के साथ इतना दुराचार होता है, इसलिए आज उन दुराचार को रोकने के लिए, झारखंड में सदाचार को बहाल करने के लिए, कदाचार को मिटाने के लिए आज झारखंड के जनमानस को, झारखंड की युवा पीढ़ी को, राजनीतिक महत्व को, राजनीतिक समाज को आपके अंदर एक चेतना बनाकर जागृत करना होगा, क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, राजनीति से ही राज्य चलता है, राजनीति से दूर भाग के आप विकास उन्नति की बात नहीं कर सकते। आज बताइए, ये अन्याय है। इसी बिहार प्रदेश में एक विधेयक आता है, उस विधेयक का नाम होता है 75% आरक्षण, माननीय राज्यपाल बिहार के उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी झारखंड में और एक विधेयक आता है सेम टू सेम, वहां 75 था यहां 77 था, राज्यपाल वहां स्वीकार करते हैं, झारखंड में अस्वीकार करते हैं। ये झारखंड की तस्वीर। झारखंड में राज्यपाल भी देखिए क्या काम कर रहे हैं, राज्यपाल भी देखिए किस कदर बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। राज्यपाल जो एक महामहिम का उत्तराधिकारी कहा जाता है, राष्ट्रपति महोदया का उत्तराधिकारी राज्यपाल को कहा जाता है, आज बताइए वे भी क्या काम कर रहे हैं। यही बिहार में स्वीकार और झारखंड में दरकिनार, ये झारखंड की राजनीति है, बताइए। इसलिए आज इस बात को समझना होगा, बिहार में क्यों पारित हुआ पता है? बिहार में 243 विधायक बैठते हैं, 243 के 243 कट्टर बिहारी हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये लड़ाई झारखंडी बिहारी, झारखंडी बंगाली की नहीं है। बिहार में ये पारित हुआ, बिहार में 243 विधायक कट्टर बिहार के निवासी हैं। यहाँ झारखंड में आधे गैर झारखंडी हैं और आधे अगर झारखंडी भी हैं तो माटी के प्रति ना उनका प्रेम है ना समर्पण है, केवल लूटने की मंशा है, इसलिए यहाँ कोई विधायक ठीक से पारित तक नहीं होता। इसलिए आज तमाम नौजवानों को इस राजनीति को बदलना होगा। और विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, जिस दिन नौजवान आई हेट पॉलिटिक्स नहीं आई लव पॉलिटिक्स कहेंगे, कसम से बदलाव होगा। आज एगो लड़का, साधारण सा लड़का, 2 साल पहले जिसको कोई जानता नहीं था, आज राजनीति में ईमानदारी पूर्वक आया है, समर्पित भाव से आया है और संविधान को पढ़ के आया है, इतना ताकतवर बना है कि गिरडी और धनबाद में लोग हिम्मत नहीं कर रहे कैंडिडेट कौन होगा। आज हिम्मत नहीं कर पा रहे गिरडी और धनबाद के कैंडिडेट कौन होगा।
एक लड़का, एक 29 साल का लड़का आज दुनिया की, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को सोचने पे मजबूर किया है। सोचिए, एक के जगह जिस दिन 1000 नौजवान ऐसे आएंगे, क्या बदलाव राज्य में हो सकता है। सोच के देखिए, एक लड़का, एक आवाज, एक दहाड़, और दिल्ली आज डगमग है। आज माननीय अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष का नेता है, इसमें उनकी काबिलियत नहीं है महोदय, क्योंकि वो जेबीएम से विधायक थे, दल बदलू है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला, क्योंकि आंदोलन हो रहा था बोकारो में, और आंदोलन टाइगर जयराम महतो कर रहा था। यही मांडू के विधायक माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल आज विपक्ष के सचेतक बने हैं, ये भी दल बदलू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में गए हैं। ये सम्मान उनकी योग्यता पे नहीं मिला है। देखा कि कौन लड़का है, नारे एक घरवा के लग रहे जाट भैया लगो, चलिए एगो ऊपर उठाइए, एगो ऊपर उठाइए, अगला को दबाना है। तो ये 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने। एक महोदय गए रामगढ़ से सांसद राज्यसभा, बुढ़ारी उम्र में गए हैं, क्यों? क्योंकि बिहार के माननीय नीतीश कुमार ने भी देखा कि आंदोलन करने वाले लोग कौन है, राज्यसभा भेजने का काम। एक लड़का आज राज्य में उथल पुथल मचा के रखा है, और शायद हो सकता है कि धनबाद जिसे पूरे झारखंड की 14 लोकसभा में हॉट सीट कहा जाता है, कोयला का सल्तनत कहा जाता है, उस कोयले की सल्तनत में 1952 में पहला चुनाव हुआ था, शायद 2024 में उम्मीद है पहली बार कोई खतियानी बेटा को नेशनल पार्टी साइड टिकट दे दे। ये उसकी योग्यता नहीं होगी, ये एक लड़के की धाकड़ आवाज का परिणाम है, एक लड़के की आवाज का परिणाम है। एक लड़के की आवाज से आज झारखंड की राजनीति की तस्वीर बदली है। सोच के देखे, वो संख्या जिस दिन 100 होगी, वो संख्या जिस दिन 1000 होगी, वो जिस दिन संख्या लाख होगी, और खासकर जिस दिन संख्या लाख होगी, अच्छे अच्छों की खाक हो जाएगी। इस बात को याद रखिए, बताइए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कितना मेहनत करती है। भले हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं और करेंगे, लेकिन इस बात की प्रशंसा कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उसको इतना फुर्सत है कि जयराम महतो को वाच कर रही है, रिपोर्ट भेज रही है कि गिरिडीह धनबाद खबरदार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस लड़के को वाच कर रही है, पल पल का खबर भेज रही है कि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा में खबरदार, यहाँ एक पारसनाथ का मतवाला टाइगर आया है जो किसी से झुकने वाला नहीं है, वह जब बोलता है सबकी खोल के रख देता है। सोचिए, इसलिए आज नौजवानों, इसलिए नौजवानों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजनीति को समझिए, इसलिए आप लोग राजनीति को समझिए। राजनीति को नहीं समझेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। बहाली अब देखे ना, जनरल कोटा में 61 बहाली था, 61 बहाली था ना, जनरल कोटा में शिक्षकों की थे ना, जेई, सॉरी माफ कीजिएगा, जेई, जेई में 61 बहाली था। आपको जानकारी होना चाहिए, 39 यूपी बिहार राजस्थान के लोग ले गए, आपके हिस्से में 22 आया, और कसम से बोलते हैं उस 22 में भी बहुत सारा बिहार का लोग झारखंडी बना है। अरे ये तो मालूम हुआ कि अभी उसका मूल पता क्या है, बताइए आपके हिस्से में क्या आ रहा है, आप ही बताइए। पढ़ने लिखने वाले नौजवान, गिरिडीह हजारीबाग धनबाद ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए आपके हिस्से को कहां बेचा जा रहा है। हम वोट बेचते हैं, वो हमारी नौकरियों को बेचते हैं। 27 लाख में पेपर लीक हुआ, मालूम होगा आपको, सीजीएल की परीक्षा, आप भी दिए थे नौजवान, यहां बैठे हैं, यहां मुझे लगता है दर्जनों नौजवान हैं जो सीजीएल की परीक्षा में बैठे हैं। बताइए कितना अन्याय इस राज्य के साथ होता है, आप सोच के देखिए क्या अन्याय इस राज्य के साथ होता है। आइए सही बैठिए, और हमारे बहुत सारे अतिथिगण आए हैं, रामगढ़ से, बगोदर से, मनोज दा भी आए हैं, रवि जी भी आए हैं, आप लोग मंचासीन होंगे, तो सोच के देखिए क्या व्यथा है झारखंड।
क्योंकि मेरी आवाज इस ग्राउंड के अलावे चारों ओर जा रही है, वहां शायद अन्य राज्यों के लोग रहते हैं, खासकर बिहार बंगाल के लोग जरूर रहते हैं, उत्तर प्रदेश उड़ीसा के लोग भी रहते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, बिहार को हम बड़ा भाई मानते हैं, बंगाल भी हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा भी हमारा बड़ा भाई है। 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग हुआ। भैया जब 1912 में बिहार अलग हुआ, बंगाल वालों ने आज तक बिहार में एक भी डाका नहीं डाला है। क्या आपके पास एक भी इतिहास है कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से सन 1912 में बिहार अलग हुआ, उसके बाद बंगाल के किसी मूल निवासी ने बिहार में कोई दखल अंदाजी किया हो? क्या आपके पास डाटा है? एक भी डाटा है? नहीं है, क्योंकि बंगाल ने बिहार को भाई मान के अपना हिस्सा अलग कर दिया। ठीक, फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, क्या बिहार के लोगों ने उड़ीसा में दखल अंदाजी किया है? नहीं किया है। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ, सब लोग यहां टांग गड़ा के बैठे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है।